सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और यार जैसा कि आपको पता ही होगा कि मार्वल ने भी D23 इवेंट में काफी सारे प्रोजेक्ट रिवील कर दिए हैं। हाँ मतलब कुछ ज्यादा खास तो नहीं था, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है वो एंटमैन का ट्रेलर है। हाँ अब ये वही ट्रेलर था जो हमें सैन डिएगो कॉमिक कॉन में बताया गया था, लेकिन इस बार इसमें कुछ नई क्लिप भी एड की गई है। अब यार वो जितनी भी क्लिप है वो मैं आपको यहाँ तो नहीं बता सकता हूँ कॉपीराइट इशू की वजह से, आप भी समझते हो इतना, तो इसीलिए सिर्फ मैं आपको बताऊंगा और आप ध्यान से सुनना और खुद ही इमेजिन कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो यार पहला सीन ये है जो हम पहले भी देख चुके हैं, जिसमें कैंग द कॉन्करर एंटमैन से बोलता है क्या मैं तुम्हें पहले भी किसी यूनिवर्स में मार चुका हूँ। लेकिन यहाँ इसके अलावा एक और सीन था जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एंटमैन जो है वो कुछ चीज चुराने की कोशिश कर रहा है। अब वो क्या चुराना चाहता है वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन उस सीन में हमें पता चलता है कि एंटमैन जो है वो ये काम करना नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूरी में कर रहा है। और वो मजबूरी है एंटमैन की बेटी, क्योंकि उसको कैंग द कॉन्करर ने किडनैप किया है और वो उसे तभी छोड़ेगा जब एंटमैन उसे वो चीज ला कर देगा। अब यार वो चीज कौन सी है वो हमें मूवी में ही पता चलेगा। लेकिन मार्वल के विलन को क्या बच्चे चोरी करने की आदत पड़ गई है? किसी ने पूरे गांव के बच्चे चुरा लिए और इसने तो मेन हीरो के ही बच्चे चुरा लिए। अच्छा मजाक चाहते हैं और सीरियस पॉइंट पर आते हैं। हाँ तो फिर एंटमैन उसे वो चीज ला कर देगा और फिर एंटमैन उसी को हराने के लिए अपनी ही बेटी से टीम अप करेगा, मतलब अपनी ही बेटी और अपनी ही वाइफ से टीम अप करेगा। और यार इस मूवी के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि ये मूवी जहाँ पर खत्म होगी वहीं से कैंग डायनेस्टी की स्टोरी शुरू भी होगी। और यार इस मूवी का बेस मेरे को तो यही लग रहा है, एंटमैन कुछ चुराएगा उसको ला कर दे देगा और बस यहाँ से कैंग द कॉन्करर बन जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।